जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा जो सब्जेक्ट दिया है उसके जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें टॉपिक पहला जो दिया है बाल विकास का परिचय के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसके हम जो प्रश्न जितने भी इस टॉपिक से बन सकते हैं महत्वपूर्ण मैं सभी लेकर आया हूं। तो जैसे कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं कल से शुरू कर दूंगा टॉपिक बाय टॉपिक, आज दो टॉपिक शुरू कर दूंगा जो आप लोगों ने डिमांड रखी। पहला टॉपिक आप लोगों ने बाल विकास रखी है, तो बाल विकास का पहला ही टॉपिक है, वहाँ से संपूर्ण टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बन सकते हैं जो मैं लेकर आया हूँ। आप लोगों को सभी प्रश्न के कमेंट में आंसर देना है, लास्ट में बताना है आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन, प्लेलिस्ट बना देंगे हर सब्जेक्ट की अलग, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, विकास का अर्थ है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बी ऑप्शन है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और चौथा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। तो यहाँ से जो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास का अर्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी, तो किस उम्र को खिलौने को। तो देखो मैं आपको बता दूं, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है, उस समय बालक बहुत छोटा होता है, जो कह सकते हैं कि यहाँ से कह सकते हैं कि 0 से 3 वर्ष या 5 वर्ष के बीच के, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पहला है दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था, चौथा है खेलने की अवस्था। तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा, जो पूर्व बाल्यावस्था है खेलने की एक विशेषता को छोड़कर दल समूह में रहने की, जो छोटे बालक होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अनुकरण मतलब जो एक उनकी क्रियाएं होती हैं, हंसना रोना खिलखिलाना ये सारी करने की होती है, प्रश्न करने की होती है, ये सभी होती हैं। तो यहाँ ये देख सकते हैं कि मतलब आंसर तो ये भी हो सकता है, पर इन सब से देखा जाए तो ये थोड़ा कम आंसर बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है चौथा, चौथा है कि उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, ये आपको बताना है। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्षेत्र। तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा, जो उत्तर बाल्यावस्था में बालक है भार में भी समझने लगते, द्रव्यमान मतलब भार, संख्या मतलब ये ज़्यादा लोग हैं या कम लोग हैं, कुछ भी किसी भी तरीके समझ सकते हैं। क्षेत्र मतलब यहाँ छोटी जगह यहाँ बड़ी है, ये तीनों ही अवस्था वो महसूस करने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कह रहे हैं कि बाल विकास का क्या अर्थ है। तो ये बताइए, पहला है कि बालक की लंबाई मोटाई चौड़ाई में विकास, दूसरा है बालक का बौद्धिक एवं मानसिक विकास, तीसरा है बालक का सर्वांगीण विकास, चौथा है बालक का विकास होना। तो पांचवे का अगर मैं आंसर की बात करूं, यहाँ से बाल विकास का जो अर्थ है इसका, बालक का सर्वांगीण विकास, इसी पर यह पूरा कार्य करता है। प्रश्न नंबर छठवा है कि शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से कैसा होता, कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं। तो छठवे का जो आंसर हो जाएगा, जो शैशवावस्था में जो बालक का जो भार है वो अधिक हो जाता है, ठीक है। चले अगला प्रश्न नंबर सातवा, तो देखो ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते, बस आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। सातवा है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है बालक की भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए, दूसरा है उसकी पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए, तीसरा है विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी, उपरोक्त सभी। तो सातवें का जो आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे करेक्ट। तो आपको आंसर देना है कमेंट में, और फाइनल मुझे ये बताना है कितने सही हुए हैं। बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपाय देता है,
पहला है समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है, बी है बालक की अभिवृत्तियों का लाभ उठा सकते हैं, तीसरा है व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण हो सकता है, चौथा है बालकों के व्यक्तित्व का विकास। तो यहाँ से जो आठवें का आंसर हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपाय देता है, समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है, ठीक है। नौवे का प्रश्न का आंसर होगा शैशवावस्था के दो सामान्य भय हैं, तो बताइए, आ परिचित चिंता अंधकार का भय, बी है पृथकत्व चिंता अंधकार का भय, चौथा है अंधकार का भय गिरने का भय, चौथा है अपरिचित चिंता पृथकत्व चिंता। तो यहाँ से जो नौवे का आंसर हो जाएगा अपरिचित चिंता और पृथकत्व चिंता। सबसे ज़्यादा बालक को दो भय रहते हैं कि एक तो जो जानता नहीं उनसे, दूसरा है कि मतलब बिछड़ने का डर रहता है। दसवें का प्रश्न हो जाएगा बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, अनुमान या प्रत्याच्छात्मक चिंतन। तो दसवें का जो आंसर हो जाएगा, जो बालकों में सर्वप्रथम चिंतन होता है, प्रत्याच्छात्मक चिंतन, मतलब जो चीज़ सामने दिख रही उसके ऊपर। प्रश्न नंबर 11 है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है, बी है बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, तीसरा है बालक वीर पूजा करता है, चौथा है बालक भाव प्रदान होता है। तो यहाँ से 11 का जो आंसर हो जाएगा, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। चलिए, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, समझदारी आती है, बहुत सारी चीज़ें। अगला है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो बालक के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक का, बालक का विकास अवस्थाओं का, बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो यहाँ से 12 का जो आंसर हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्व मतलब एक समझदार टाइप तक का। 13 का जो प्रश्न है कि निम्न में से किसने बाल्य शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है, वाटसन, वैलेंटाइन, स्ट्रेंग, गुड्स एंड एप। तो यहाँ से जो 13 का आंसर आपका जो हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी वैलेंटाइन ने। प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणा अवस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है, जेम्स ड्रेवर, हरलॉक, मुनरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का आंसर तुम्हारा हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा मुनरो। 15 का प्रश्न का आपको आंसर बताना है निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो यहाँ से ये बड़ा सिंपल सा आंसर बन जाता है, देखो किशोरावस्था में सभी बच्चे अपने जो समान उम्र के जो बालक हैं उनके समूह के सक्रिय सदस्य, जैसे आपने देखा होगा कई राज्यों में कॉलेज के इलेक्शन चलते हैं तो वहाँ सभी लोग भाग लेते हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है 16 निम्न कक्षाओं के शिक्षण की खेल विधि आधारित है, पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा है शिक्षण की गतिविधियों के सिद्धांत पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, चौथा है शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर। 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, याद रखियो खेल विधि इस पर आधारित है। प्रश्न नंबर 17 मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो ये 17 का आंसर, ये सब अवस्थाएं आज आती हैं किशोरावस्था में, उसी समय भैया हमारे बाप हमारे पिताजी थानेदार हैं, हम किसी से नहीं दबते हैं, ऐसी अवस्थाएं आती हैं। चले इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, तीसरा है उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, चौथा इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे,
तो 18वें का आंसर हो जाएगा उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। प्रश्न नंबर है आपका 19। बच्चे के विकास के सिर स्थित सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन बताना। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तत्व संबंधित है। पहला है निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से। 21 जो प्रश्न है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, पहला है सामूहिक गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, बी है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, सी है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, चौथा है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ से सकारात्मक आपसे वातावरण की बात चल रही है, तो 11 का आंसर हो जाएगा विभेद नहीं, किसी में विभेद और प्रत्येक बच्चे के समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। प्रश्न नंबर है 22। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, अभिभावक अध्यापक, बी है सामाजिक सांस्कृतिक, सी है वंशक्रम वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22 का सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा वंशक्रम वातावरण का, सी। 23 मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं, पहला है पर्यावरण का अंतर, बी है अनुवांशिकता का अंतर, तीसरा अनुवांशिक पर्यावरण की अंतःक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता पर्यावरण की अंतःक्रिया से संबंधित है। 24 जो प्रश्न है किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती, रॉस, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो 24 का आंसर हो जाएगा रॉस के अनुसार। अगला प्रश्न है हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन संबंधित है वंशानुक्रम से, वातावरण से, जलवायु से, वंशानुक्रम वातावरण से। 24 का आंसर हो जाएगा इनका जो संबंध है वंशानुक्रम से। अगला है कि बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है पारिवारिक परिवेश से, ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का उपयोग करते हैं, प्रारंभिक जीवन में घर की दी गई पढ़ाई पर। 26 का पारिवारिक परिवेश पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, ये बात सही है। अगला है किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न होती है, अनवरत विकास का सिद्धांत, विकास का गति सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो 27 का आंसर हो जाएगा विकास का गति सिद्धांत, विकास का। तो देखिए ये थे 27 प्रश्न, आपके कितने सही हुए हैं मुझे कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट का बनाया जाए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। जल्दी से अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी बहुत कम दिन में हम लोग पूरे टॉपिक ख़त्म करें, इसमें 5 टॉपिक के करीबन हैं, तो 5 दिन में कोशिश रहेगी ख़त्म करने की। थैंक यू।